पाड़ी तहसील के परसाना गांव में आए रामेश्वर महादेव मंदिर में आने वाले महाशिवरात्रि पर्व को लेकर चल रही है जोरों शोरों से तैयारियां। पर फिलहाल कोरोना महामारी के चलते होने वाले मेले के आयोजन को लेकर दंडार्थी पड़े हैं असमंजस की परिस्थिति में। तो आइए इसी के साथ देखते हैं हमारा विशेष अहवाल। हिंदू संस्कृति में कई सारे धार्मिक त्योहार मनाए जाते हैं, तो फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की तृतीयोदशी यानी शिव आराधना का दिन जो हिंदुओं का एक प्रसिद्ध धार्मिक त्यौहार है। हिंदुओं के प्रमुख देवता महादेव यानी शिव जी के जन्मोत्सव के रूप में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। ये त्यौहार मनुष्यों के पाप, अन्याय और अनाचार को दूर करके शुद्ध, पवित्र और सात्विक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। महाशिवरात्रि के दिन शिव भक्तों द्वारा उपवास और शिव जी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव ने तांडव करके तीसरा नेत्र खोला था और इसी तीसरे नेत्र की ज्योत से ब्रह्मांड का अंत किया था। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शिव और माँ पार्वती का इसी दिन विवाह हुआ था। तो एक कथा के अनुसार इस दिन भगवान शिव शंकर ने समुद्र मंथन के दौरान निकले हुए विष को अपने गले में समाया था। तो इस महाशिवरात्रि के दिन भक्तों द्वारा शिव जी की पूजा अर्चना कर विविध पवित्र वस्तुओं से अभिषेक किया जाता है। बिलीपत्र, धतुरा, अबिल, गुलाल, उम्बी जैसी चीजें चढ़ाई जाती है। इस दिन शिवालयों में बड़ी संख्या में भक्तजन उमड़ पड़ते हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक विख्यात और प्रसिद्ध पुराने पाड़ी तहसील में आए हुए पलसाना गांव के रामेश्वर शिवालय के बारे में। तो आइए इस मंदिर के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं मंदिर के पुजारी से। तो आइए मिलते हैं पलसाना से शिव मंदिर के पुजारी से। पुजारी जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रमेश गिरी, अमृत गिरी गोस्वामी। यहाँ की दंतकथा के बारे में, मंदिर के बारे में कुछ बताइए। यहाँ क्या है के जब तक राम लक्ष्मण सीता जी वनवास के लिए निकला था तो ये स्थल पर भी आया हुआ है था, इसकी दंतकथा चलती है। तो सीता माता को जब प्यास लगी थी तो राम तो भगवान था, इसीलिए तीन जगह पे बांध लगाया था और वहाँ से पानी निकला था और वो प्यास बुझा के वो निकल गए थे, मगर अभी पानी कुदरती चलता। वो ये क्या है कि मंदिर महाशिवरात्रि के हिसाब से और ये मंदिर का हिसाब से यहाँ सब आजू बाजू के लोग श्रद्धा से पूजा विधि कराने आते हैं, श्राद्ध विधि कराने आते हैं, तर्पण कराने आते हैं और यहाँ ऐसी मान्यता है कि वो उसका जो तो मर गया है उसको वापस मिल जाता है, ऐसी वो मान्यता लेकर आते हैं। शिव जी का मंदिर है और महाशिवरात्रि जब आती है तब यहाँ असंख्य भक्तों लोग आ जाते हैं अंतिम और यहाँ भगवान का दर्शन करके धन्यता प्राप्त करते हैं। यहाँ क्या है महाशिवरात्रि का पर्व है, महापूजा में घी का कमर चढ़ाया जाता है, भगवान की मूर्ति चढ़ाई जाती है और सब ये दर्शन पूजा देख के और करके सब भक्तों धन्यता अनुभव करते हैं। पाड़ी तहसील के पलसाना गांव में आए रामेश्वर महादेव जी के मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर भक्तजन उमड़ पड़ते हैं और महादेव जी के दर्शन कर धन्यता प्राप्त करते हैं। प्राचीन समय में यहां पर पवित्र पानी का झरना स्वयंभू बहता हो लोग पानी पीने और प्यास बुझाने आते थे। साथ ही यहां पर श्री राम भगवान ने शरण ली थी, ऐसा भी माना जाता है। तब से इस स्थल को गंगा जी के नाम से भी जाना जाता है और महाशिवरात्रि पर्व को लेकर मेले का आयोजन भी होता है, तो भक्तजन रामेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन कर मेले का आनंद भी उठाते हैं। साथ ही इसी दिन अपने स्वर्गवासी स्वजनों का तर्पण करने के लिए भी लोग आते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे तर्पण करने से स्वजनों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मेले में आनंद प्रमोद के लिए नए नए प्रकार की चीजों के साथ अवनवी राइड्सों का लोग मजा लेते हैं। साथ ही दुकानदार नई नई वस्तुओं के साथ बैठते हैं जहां से लोग नई नई चीजों की खरीदारी करते हैं।
फिलहाल पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी चल रही हो, बड़ी संख्या में लोग मेले में उमड़ पड़ते हों, सरकारी गाइडलाइन का पालन नहीं होते, मेले के आयोजन पर पाबंदी लगाई गई थी, पर फिलहाल कोरोना के केसों में घटोती होते सरकार ने भी महदंश पर थोड़ी सी छूट दी हो। कई धंधार्थी अलग अलग प्रकार के खेल के साधनों के साथ यहाँ पर आकर तैयारियों में जुटे हैं, पर जवाबदेह तंत्र और पुलिस की ओर से कोई लिखित में परमिशन नहीं दी गई हो। लोग असमंजस में हैं, जो कि आने वाले 2 दिनों के बाद ही मालूम पड़ेगा कि सचमुच में यहां पर मेले का आयोजन होगा या फिर पिछले 2 सालों की तरह इस साल भी मेला नहीं होते लोग मेले की मजा नहीं ले सकेंगे। पर फिलहाल तो मेले में धंधार्थियों द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है। दमन न्यूज़ से आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं पलसाना स्थित शिव मंदिर में। इस शिव मंदिर में हर साल शिवरात्रि के पर्व पर एक बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन कोरोना के चलते 2 सालों से ये मेला नहीं हो पा रहा था और इस मेले में काफ़ी बड़ी बड़ी राइड्स लगी हुई है और काफ़ी सारे स्टॉल्स को भी लगाया गया है। तो आइए चलकर बात करते हैं ये राइड्स के मालिकों के साथ। नाम क्या है? मेरा नाम कपिल है, मैं जूनागढ़ से आया हूँ। मेरे को 18 से 20 साल हो गया है मेला करने के लिए। हाँ। फिर ये 2 साल बहुत परेशान हो गया सर हम लोग। हाँ। क्योंकि कोरोना के हिसाब से ये मेले का धंधा बंद था, हमारा रोजी रोटी का धंधा बंद था। बाद में बच्चे की फी कुल भरने की हमारे पास पैसा रहा नहीं। हाँ। राशन पानी का भी पैसा नहीं था। बराबर। फिर भी 2 साल के बाद जो सरकार ने थोड़ा बड़ा निर्णय दिया है कि शिवरात्रि का मेला चालू करा देंगे, थोड़ा कोरोना बंद हो गया है तो शिवरात्रि का मेला चालू कराना का है। तो अभी हम लोग इधर लाइट लेके आए हैं उद्वार में शिवरात्रि के मेले में। माहौल अच्छा है अभी हाल, बाकी क्या है आगे देखा जाएगा। जैसा कि आपने सुना ये राइड्स वाले मालिकों के साथ क्या हो रहा है, तो आइए चलकर बात करते हैं दूसरे राइड्स के मालिक के साथ। 2 साल हो गए ये कोरोना के हिसाब से मेला बंद था, इसके अंदर मौत का हुआ, जैन बिल टोरा टोरा और अधिक वस्तु दुकानों और ब्रेक डांस ये भी वस्तु हमें लगावेला है। एना पी जे हमें मेड़ो भरा है एमा अमारो पेट रोजी धंधो चाले। और आप कितने सालों से यहाँ पर मेला लगाने के लिए आते हैं? 50 साल हो गए हमको यहाँ, बचपन से हम यहाँ मेला लगाते हुए आए, तो कोरोना के हिसाब से 2 साल हमने बंद रखे। हमारी रोटी रोजी गई, बाल बच्चों के स्कूल की फी नहीं भरे जा रही और ये वजह से हमने लोगों की मजदूरी करके हमारा घर का खाना पीना करे गुजारा करे हमने। और ये मेला कितने दिन तक चलता है? ये 3 दिन तक के चलता है, 1 तारीख से 3 तारीख तक के चलेगा मेला। जैसा कि आप लोगों ने सुना ये राइड्स के मालिकों की क्या परिस्थिति है और इस साल ये लोग बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ मेला लगा रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक ये मेला चलने वाला है और इस मेले को लेकर 5 दिन पहले से ही तैयारियां शुरू हो गई है। जैसा कि आप लोगों ने देखा 2 साल से मेला नहीं लगने की वजह से स्टॉल लगाने के लिए आ रहे लोगों की क्या परिस्थिति थी और इस साल मेला लगने की वजह से ये लोग काफ़ी सारे आनंद में हैं और इन लोगों को एक आशा की किरण जागी हुई है कि इस साल कुछ तो बिक्री होगी।
बलसाना स्थित इस शिव मंदिर में हर साल मेला लगता है जो कि कोरोना के चलते 2 सालों से बंद था और इस साल वापस से यह मेला लगने जा रहा है जिसकी जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। राजेंद्र के साथ मैं स्तुति पंड्या, दमन न्यूज़ बलसाना से।